फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए इंडियन चाय वाला। मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को। कैसे हैं सब लोग? आप अच्छे ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। दोस्तों मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरा ऐसा कुछ काम था, मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाया। आज मैं थोड़ा सा फ्री होके मैं आज अपना कुछ सामान लेने के लिए नाश्ता करेंगे। अभी हम नाश्ता करके फिर हमको जाना है, निकलना है। और बारिश भी हो रहा है धीरे धीरे, अभी तो रुक गया बारिश, पता नहीं रास्ते में कब आ जाए। नाश्ता करने वाले हैं, नाश्ता मैं खुद ही बनाऊंगा आज, ब्रेड ऑमलेट खाऊंगा। तो ये हो रहा है हम लोगों का ब्रेड ऑमलेट, देखिए कितना शानदार है ब्रेड ऑमलेट, ये देखिए। ये हम लोगों का ब्रेड ऑमलेट बनके तैयार है। अभी इसको खाने वाले हैं। चलिए गैस बंद कर देते हैं, बंद हो गया। चलिए ब्रेड ऑमलेट हम लोगों का रेडी है, अभी ब्रेड ऑमलेट खाने वाले हैं। ये रहा ब्रेड ऑमलेट। वाह आशो, अभी खाने वाले हैं। तो नाश्ता मेरा कंप्लीट हो गया, अभी अभी हम निकलेंगे अपना काम से। बहुत सारा काम है, दिन भर बहुत काम है, आज निपटाना है आज पूरा दिन में। नाश्ता करने के बाद हम निकल गए घर से अपना, आके हम हाई रोड पे पहुँचे। हम लोगों का घर के सामने ही है, बस 2 मिनट का दूरी है। हम अपना बाइक लेके ही निकले और हम यहाँ पे ना एक दुकान लिया, एक शॉप लिया है, छोटा सा, एकदम छोटा सा एक शॉप लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, वो चाय का स्टॉल बनाएंगे, मतलब स्टॉल चाय का कैफे टाइप का कुछ बनाएंगे। हम ये बहुत दिन से सोच रहे थे कुछ करेंगे ये चीज़, तो ये हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग का बंगाल में अभी पूजा होने के बाद, दुर्गा पूजा का फेस्टिवल आने वाला है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उसके बाद ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास अभी कोई स्टाफ है नहीं, मेरा एक बिरयानी का एक दुकान है, वो मैं खुद ही चलाता हूँ। अभी उसके लिए मेरा स्टाफ नहीं मिल रहा है, हम खुद ही बना रहे, खुद ही बेचते हैं। आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बोला भी थे ये चीज़। और अभी क्या करने वाले ना, ये दुकान को हम एडवांस देने वाले हैं आज। एडवांस देने के बाद और ये पूजा बाद हम इस दुकान को हम ओपन करेंगे। तो ये रहा दोस्तों मेरा ये दुकान जो मैंने लिया है, यही हाई रोड है। ये मुगल का एम्पायर रेस्टोरेंट है, ये पूरा ऐसा रास्ता है। ये रहा जैसे, ये रहा मेरा दुकान, ये दुकान मैंने लिए है, देखिए ये वाला है। अंदर जाते हैं, एकदम रोड के पास में ही है बिल्कुल। यहाँ कैफे टाइप का हम बनाएंगे सोच रहे थे, बहुत दिन से जगह ढूंढ रहे थे, अब मिल गया। ये पे थोड़ा सा हम साफ़ करेंगे, इस जगह में साफ़ करके इधर हम टेबल लगा देंगे और इधर लाइट वाइट लगा देंगे, तो इधर बोर्ड लगेगा। ये जो हम बांस खड़ा किया इसमें हम बोर्ड लगाएंगे और शीशा भी नया लगवाएंगे, वो उधर स्लैब रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा दुकान दोस्तों, दुकान हम ले लिए। अब दुकान तो आप लोगों को दिखा भी दिए, और दुकान कैसा है नहीं है ये आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर। और दुकान चालू होने के बाद तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, उसका भी वीडियो आएगा एक। बाहर से हम आ गए घर, अभी घर आके अभी हम स्नान करेंगे, करने के बाद लंच करेंगे, लंच करने के बाद और भी कुछ काम है वो करेंगे, देखते हैं कहीं जाना है तो वो भी काम कर लेंगे, क्योंकि आज मेरा दुकान बंद है इसीलिए। तो नहा के हम आ चुके हैं, अभी लंच करेंगे, लंच करके निकले। मेरा लंच कंप्लीट हो गया, अभी मैं निकलूँगा। थोड़ा निकलने से पहले अभी थोड़ा खीरा खाएँगे, खीरा खा के तो आप भी खाते हैं क्या लंच करने के बाद, खीरा या फिर सलाद कोई भी? मैं खाता हूँ, कभी कभी खाता हूँ।
को हम लंच करके निकल गया। हावड़ा मेरा घर है, हावड़ा से हम कोलकाता पहुंच गया। कोलकाता एकदम नज़दीक में ही है, जस्ट ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही कोलकाता शुरू हो जाता है। और उधर ही सामने से मैं निकल रहा था, सोचा यहाँ पे थोड़ा देर रुक जाते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। एकदम सामने द 42 है मेरे पीछे, ये देख लीजिए द 42 है। ये रहा दोस्तों द 42, ये भी एक कोलकाता का बहुत ऊंचा बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। यहीं पे सारा ऑफिस है ज़्यादातर। और ये रहा विक्टोरिया, देखिए मैं लोगों दिखाता हूँ, ये सीधा जो है ना ये है विक्टोरिया, ये विक्टोरिया है, देख लीजिए दोस्तों। इसको बोला जाता है ब्रिगेड मैदान। यहाँ पर जितना सारा मीटिंग होता है ना यहीं पर ही होता है ज़्यादातर, बड़ा मीटिंग जो होता है ना, बाहर से लोग आते हैं, सब ज़्यादातर यहीं पे होता है। तो यहीं से हम लोग निकलेंगे दोस्तों, अभी निकल गए, अभी जा रहे हैं यहाँ से। देखिए विक्टोरिया का जो शान है, ये घोड़ा गाड़ी है, विक्टोरिया का शान है। ये देखिए घोड़ा गाड़ी कितना है, घोड़ा गाड़ी है सब यहीं पे। चुका है मेरा काम भी बहुत सारा निपटा गया, मैं काम कंप्लीट कर दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहीं जाए के चाय पी लेते हैं। तो ये पे सामने में नज़दीक में ही MBA चाय वाला है, मैं उधर जाके मैं चाय पीता हूँ, अभी जाएंगे उधर। दोस्तों हम आए थे MBA चाय वाले में चाय पीने के लिए, तो MBA चाय वाला आज बंद है, पता नहीं कुछ हुआ है, तो साफ़ सफाई का काम चल रहा है उन लोगों का। चलिए दूसरा जगह देखते हैं। फाइनली हम पहुंच गए MBA चाय वाला में, ये भवानीपुर में है। इधर हम तो चाय अभी आ गया है, अभी पीते हैं चाय। मस्त चाय, तो MBA चाय वाले से चाय पी के अभी निकल गया हम। दोस्तों कुछ भी बोलो, हेलमेट पहनने के बाद ना बाल एकदम कैसा हो जाता है, पूरा एकदम खराब हो जाता है। नहीं फाइनली दोस्तों हम घर पहुंच गए, अभी बहुत रास्ता जाम था, थोड़ा थोड़ा बारिश भी होने लगा। तो दोस्तों ये ब्लॉग, आज का पूरा दिन भर का ब्लॉग कैसा लगा, आज का ब्लॉग यहीं तक ही एंड होता है। और बताइएगा आप आज का ब्लॉग कैसा रहा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।